रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन का क्या मतलब होता है, ठीक है, सुधारना, ठीक है, किसको सुधारना, गलतियों को सुधारना। अब कौन सी गलती हो गई, अब देखिए कुछ ऐसे मिस्टेक्स होती है हमारे बिजनेस के अंदर कि जब भी हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं तो जैसे सबसे पहले कोई भी ट्रांजेक्शन हमारे बिजनेस के अंदर होती है हम सबसे पहले उसको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल में या फिर सब्सिडरी बुक्स में, ठीक है, फिर उसके बाद उसके लेजर में पोस्टिंग करते हैं, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे आगे से आगे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो चलते रहते हैं, ठीक है। अब मान लो हमने सबसे पहले कोई गलती कर दी, कोई ऐसी ट्रांजेक्शन थी बिजनेस के अंदर जिसको हमने रिकॉर्ड करना था, हमने इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो ये हो गई ना गलती। अब हमें इसको सुधारना तो पड़ेगा ना, ये वाली गलती जो हुई है तो इस गलती को हमें सुधारना पड़ेगा। तो हम उस गलती को कैसे सुधारते हैं वो हम अपने इस वीडियो सेशन में सीखने वाले हैं, ठीक है। हमने अपने प्रीवियस वीडियो सेशन में हमने डिस्कस किया था चैप्टर 19 में ही कि टू साइडेड एरर्स जो है कौन सी होती है और उसके रूल्स क्या है, और उसके एक एग्जांपल हमने सभी सीखे थे, उसके फोर केसेस के जो जो एग्जांपल्स थे हमने भी जर्नल एंट्रीज जो है उसमें सीख लिए थे। अगर आपको उनका लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ठीक है, वहां पे चैप्टर 19 की जो प्लेलिस्ट है वो गिवन है। और यहाँ तक की क्लास प्लस वन अकाउंट्स के जितने भी चैप्टर्स है वहां पे उन सभी की आपको प्लेलिस्ट जो है आपको वहां पे मिलेगी। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझना हो क्लास प्लस वन से रिलेटेड तो आपको वहां पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा, तो आप वहां से इजीली समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो देखिए उस दिन तो हमने क्या काम किया था, उस दिन तो हमने सीखा था, इसके फर्स्ट सेशन में हमने क्या सीखा था कि टू साइडेड एरर्स कौन कौन सी होती है। अब देखो जब टू साइडेड एरर्स हो जाती है ना तो ट्रायल बैलेंस का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ट्रायल बैलेंस को हम बेसिकली बनाते क्यों है, हम ट्रायल बैलेंस को इसलिए बनाते हैं कि हमारा डेबिट साइड का और हमारा क्रेडिट साइड का दोनों का टोटल इक्वल आ जाए, कि हमें पता चल जाए कि हमारे जो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है भी या नहीं, ठीक है, कि हमने मैथ्स के अकॉर्डिंग सारे काम सही किए हैं कि नहीं, टोटल वगैरह सही है कि नहीं, ठीक है। अब कुछ एरर्स तो होती है कि उनका फिर ट्रायल बैलेंस के ऊपर नहीं पड़ता, वो तो होती है हमारी टू साइडेड एरर्स, ठीक है। बट कुछ एरर्स ऐसे भी होती है कि जिनका हमारे ट्रायल बैलेंस पे सीधा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, जिसका सीधा सीधा इफेक्ट पड़ता है उसको हम बोलते हैं वन साइडेड एरर्स, ठीक है, वन साइडेड एरर हम उसको बोलते हैं, और वही आज का हमारा वीडियो सेशन है, ठीक है। एरर्स विच अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस और वन साइडेड एरर्स, ठीक है, तो उसको हम वन साइडेड एरर भी बोल सकते हैं, ठीक है, जिसका मतलब एक साइड में कहीं गलती होती है और दूसरी साइड हमारी बिल्कुल सही होती है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक एग्जांपल है, इस सम ऑफ रुपीज 2500 गिवन टू अजय इज करेक्टली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अब देखो हमने 2500 रुपए हमने किसको दिए, अजय को दिए, तो हमारी एंट्री क्या होनी थी, देखो हमारी एंट्री होनी थी अजय को मिले, अजय रिसीवर है तो अजय के अकाउंट को हमने डेबिट करना था, हमारे बिजनेस से कैश गई तो एंट्री होनी थी टू कैश अकाउंट 2500 से 2500 से, ये वाली एंट्री होनी थी, ठीक है। हमने इसको देखो कैश बुक पे तो सही रिकॉर्ड कर दिए, पहले तो हमने जर्नल एंट्री करनी थी, जर्नल एंट्री करने के बाद हमने इसको कैश बुक में डाला था, कैश बुक पे तो हमने इसको सही अमाउंट से डाल दिया, ठीक है। बट ओमिटेड, ओमिटेड का मतलब है लिखना ही भूल गए, कहाँ लिखना भूल गए, डेबिट ऑफ अजय। अब देखो हमें लेजर बनाना होता है तो लेजर बनाते हमें कैश के लेजर में तो लिख दिया, बट अजय में, अजय का जो लेजर बनाना था उसके डेबिट साइड में हम लिखना ही भूल गए, तो इस एरर को हम क्या बोलेंगे, वन साइडेड एरर हम इसको बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए रेक्टिफिकेशन ऑफ सच एरर डिपेंड्स ऑन द स्टेज, यानी कि रेक्टिफिकेशन डिपेंड करती है कि ये कौन सी स्टेज पे है, ठीक है, तो हम इसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके टू केसेस हो सकते हैं, व्हेन द एरर आर लोकेटेड एंड रेक्टिफाइड बिफोर द क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स, यानी कि जब एरर हमें मिल जाती है और हमें उसको रेक्टिफाई करते हैं, कब करते हैं, जब यानी कि हमारे अकाउंट जो है क्लोज नहीं होते, यानी कि हमने ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अभी नहीं बनाया और सस्पेंस अकाउंट भी अभी हमने क्रिएट नहीं कर रखा, ठीक है। तो इसमें तो हमें क्या करना होता है, जब हमारे पास ये वाला केस होता है, जब हमने कोई क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स अभी नहीं किए होते, पहले ही हमें एरर पता चल जाती है, तो हम कोई इस केस में जर्नल एंट्री नहीं करते, सीधा सीधा काम कर देते हैं, सीधा सीधा लिख देते हैं कि ये अंडरकास्ट है, ये ओवरकास्ट है, ये वाली एंट्री है, सीधी मतलब कर देते हैं, इसमें कोई स्पेसिफिक जर्नल एंट्री इस तरीके की जो है नहीं की जाती, ठीक है।
अब देखो दूसरे तरीके की क्या होती है, when the errors are located and rectified after the closing of accounts, यानी कि जब एरर को ढूंढा जाता है रेक्टिफाई किया जाता है ये अकाउंट्स को क्लोज करने के बाद, यानी कि हम ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर कर चुके होते हैं और हम एक ओपनिंग कर चुके होते हैं सस्पेंस अकाउंट की। अब देखो हमें यहाँ पे गलती मिली, ठीक है, एक साइड पे एरर है दूसरी साइड पे कोई एरर नहीं है, चलो एक साइड को उस एरर को हम ठीक कर देंगे, दूसरी साइड को देखो हम कुछ लिख ही नहीं सकते, तो दूसरी साइड क्या लिखेंगे, दूसरी साइड हम लिखेंगे एक अकाउंट ओपन करेंगे सस्पेंस अकाउंट, जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो सेशन में डिस्कस करने वाले हैं कि सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, ठीक है। अब देखो पहले वाले का तो एग्जांपल देखो कि जब हमने कोई भी अकाउंट्स वगैरह क्लोज नहीं कर रखे होते, उसके एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल टोटल ऑफ परचेज बुक, टोटल देखो परचेज बुक का दे रखा है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर इज अंडरकास्ट, अंडरकास्ट का मतलब होता है कि टोटलिंग जो है कम कर रखी होती है, ठीक है, अक्टूबर की टोटलिंग जो है कम कर रखी होती है कितने से, बाय रुपीज 1000 से, कि 1000 रुपए से परचेज बुक का टोटल क्या है कम है, ठीक है। टू रेक्टिफाई दिस एरर, तो इस एरर को रेक्टिफाई ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, द अमाउंट ऑफ रुपीज 1000 विल बी पुट ऑन डेबिट साइड ऑफ द परचेज बुक परचेज अकाउंट बाय राइटिंग द वर्ड्स, तो हम सीधा सीधा ये वर्ड्स लिख देंगे। अब देखो हमारा देखो परचेज बुक का जो टोटल है वो 1000 रुपीज से कम है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे सीधा डेबिट साइड पे जाएंगे, ठीक है, जो चीज देखो हमने डेबिट साइड पे रिकॉर्ड नहीं कर रखी होती तो हम उसको क्या कर लेंगे, रिकॉर्ड कर देंगे डेबिट साइड में, क्या लिखेंगे, एंट्री नहीं करेंगे, सिंपल वर्ड्स में लिखेंगे टू अंडरकास्टिंग ऑफ परचेज बुक फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, ठीक है, तो ये सीधी सीधी से ये मतलब बात लिखेंगे और अपनी एंट्री जो है ये वाले सिंपल कर देंगे, ठीक है, कोई सस्पेंस अकाउंट इसमें हम ओपन नहीं करते। अब देखो इसमें कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, फर्स्ट है परचेज बुक हैज बीन अंडरकास्ट, अंडरकास्ट का मतलब है कि टोटल जो है कम कर रखा है, लेस टोटल है, कितने से है, बाय रुपीज 10,000 से है। अब परचेज बुक का जो भी ये है तो वो अंडरकास्ट है, यानी कि अभी परचेज बुक में जो 10,000 रुपीज से हमने अभी कम एंट्री कर रखी है, तो देखो इसको क्या करेंगे, अब देखो परचेज बुक अंडरकास्ट है यानी कम है, अब देखो जब भी हम परचेज करते हैं तो हमारा परचेज अकाउंट डेबिट होता है, तो अभी ये कम वैल्यू से है तो हमें परचेज में एंट्री क्या करनी पड़ेगी, जब भी हमारा वैल्यू जो है कम होता है परचेज का तो उसको बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, क्या वर्ड का यूज करते हैं, टू अंडरकास्टिंग ऑफ परचेज बुक, टू अंडरकास्टिंग ऑफ परचेज बुक, इसके डेबिट साइड में एंट्री कर देंगे 10,000। आपको पता है ये इधर लेफ्ट हैंड साइड होती है हमारी डेबिट साइड होती है और जो इधर राइट हैंड साइड होती है वो होती है हमारी क्रेडिट साइड, ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट केस था कि अगर अंडरकास्ट हो जाए। सेकेंड एंट्री हमारी है परचेज फ्रॉम एक्स, सेकेंड एंट्री है हमारे पास परचेज फ्रॉम एक्स, हमने एक्स से सामान खरीदा है, कितने का खरीदा है, रुपीज 50,000, तो हमारी एंट्री क्या बननी थी, परचेज टू एक्स, ठीक है, ये एंट्री बननी थी, हैज बीन ओमिटेड टू बी पोस्टेड टू हिज अकाउंट, ठीक है, यानी कि हमने परचेज वाले में तो एंट्री कर दी, ठीक है, परचेज बुक पे तो एंट्री कर दी, अब क्या कह रखा हैज बीन ओमिटेड टू बी पोस्टेड टू हिज अकाउंट, किसके अकाउंट में, यानी कि हमने एक्स के अकाउंट में, एक्स के लेजर में हमने इसकी पोस्टिंग नहीं करी, ठीक है। अब देखो तो एक्स का अकाउंट क्या होना था, क्रेडिट होना था ना, मैंने आपको क्या बताया, परचेज फ्रॉम एक्स, तो हम एंट्री क्या करने वाले थे, परचेज टू एक्स, ठीक है, तो इस केस में एक्स क्या होने वाला था, क्रेडिट होने वाला था, तो एक्स के लेजर में हमने इसकी एंट्री नहीं करी, तो एक्स का अकाउंट बना देंगे, लेजर बना देंगे डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, यहाँ पे एक्स के क्रेडिट साइड में हम एंट्री कर देंगे 15,000 से, क्या लिख देंगे, बाय ओमिशन इन पोस्टिंग, की गलती से ये लिखना रह गया, तो इस एंट्री को पोस्ट कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है परचेज फ्रॉम वाई, वाई से हमने सामान खरीदा, ठीक है, तो ये भी एंट्री बनी थी परचेजेस टू वाई, ठीक है, कितने का खरीदा, रुपीज 20,000 हैज बीन रॉन्गली पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 30,000। अब देखो परचेजेस टू वाई, ठीक है, ये एंट्री बनी थी 20,000 से, यानी हमने जर्नल में तो इसकी सही एंट्री कर दी, बट जब हम उसके लेजर में पोस्टिंग करने लगे तो हमने क्या एंट्री कर दी, हमने एंट्री कर दी वाई के अकाउंट में जो क्रेडिट करना था 20,000, हमने क्या क्रेडिट कर दिया 30,000, तो यानी कि एक्सेस अमाउंट में हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, तो हमारा ये रूल बताता है कि जब भी हम एक्सेस अमाउंट से क्रेडिट कर देते हैं तो उसको सुधारने के लिए हम क्या करना पड़ेगा हमें, तो उसके अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, कितने अमाउंट से डेबिट करेंगे, जितने एक्सेस अमाउंट से उसको हमने क्रेडिट किया, कितने एक्सेस अमाउंट से हमने उसको क्रेडिट किया है,
30,000 से कर दिया, करना कितने से था 20,000 से, यानी कि जो 10,000 है 10,000 से हमने क्या करेंगे, हम इसको डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो वाई का अकाउंट बनाएंगे, तो यहाँ पे इसके डेबिट साइड में हम एंट्री करेंगे ट्रू एक्सेस अमाउंट ऑन दी क्रेडिट साइड 10,000 से। ठीक है, तो ये एंट्री हम पास कर देंगे। अब देखिए लास्ट एंट्री हमारी क्या बनी है, बची है परचेज फ्रॉम जेड, हमने परचेज किया है जेड से। ठीक है, कितने का 40,000 का, हैज बीन पोस्टेड टू द रॉन्ग साइड ऑफ हिज अकाउंट, उसका अकाउंट हमने गलत साइड पे पोस्ट कर दिया। देखो जेड का अकाउंट, इस पे भी वही एंट्री बनी थी परचेजेस टू जेड, क्या एंट्री बनी थी परचेजेस टू जेड, बट इसने क्या कहा है हैज बीन पोस्टेड टू द रॉन्ग साइड ऑफ हिज अकाउंट, यानी कि जो जेड का अकाउंट है वो हमने गलत साइड पे पोस्ट कर दिया। क्रेडिट करना था इसका अकाउंट, हमने क्या कर दिया इसका अकाउंट गलत साइड में पोस्ट करने का मतलब है, तो इसका अकाउंट हमने डेबिट कर दिया है ना। तो अब हमें इसको करना क्या है, अब हमें इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, जेड के अकाउंट में हम क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे बाय एरर इन पोस्टिंग टू दी रॉन्ग साइड। अब देखिए यहाँ पे तो 80,000 लिखा है, हमारे यहाँ पे तो कितना है 40,000 है ना, यहाँ पे 40,000 है वहां पे 80,000 कैसे है। अब देखो कि पहले तो जो 40,000 है वो तो उसके डेबिट साइड में हमने कर दिए। ठीक है, अब देखो हमने तो उससे सामान खरीदा है, तो 40,000 अगर हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे तो वो तो वही कैंसिल हुए ना, ये अमाउंट से ये वाली अमाउंट कैंसिल हो जाएगी फिर तो, है ना। तो हमें 40,000 से उसको और क्रेडिट करना पड़ेगा, तो 40 + 40 कितने हो गए वो 80,000। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या आ गया है हमारा 80,000 की अमाउंट जो है हमारी यहाँ पर आ गई है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो सेशन में हमने क्या सीखा, वन साइड एरर के बारे में सीखा और उसके कुछ केसेस जो है हमने डिस्कस कर लिए, और नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम करने वाले हैं सस्पेंस अकाउंट के बारे में और उसका भी कुछ प्रैक्टिकल पार्ट जो है हम वो डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो पूरा चैप्टर है वो फुल ऑन कवर हो जाएगा, तो आप वो भी वीडियो सेशन जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू वेरी मच।